भाई जब से मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाईज आ रहे थे कि जो भैया यहाँ पे SC ST OBC की स्कॉलरशिप निकलती है उसमें आपको कितना पैसा मिलता है, क्या वो स्कॉलरशिप वर्थ इट है। तो उसके ऊपर जो मैंने वीडियो में बताया था उसमें मैंने काफी सारी स्कॉलरशिप्स कवर करी थी, उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी हुई थी जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कवर थी। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि यहाँ पे हमें अप्लाई कौन सी स्कॉलरशिप में करना है और कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली इसी चीज के ऊपर बना रहा हूँ कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाके कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको ये पता चलेगा कि वो स्कॉलरशिप आ चुकी है। इवन फ्यूचर में जब आप लोग मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलती है उसका कैसे पता लगाओगे, वो कैसे अप्लाई करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आगे आने वाले टाइम में भी देख के चीजों को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप वाला बताया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आई कार्ड में आप जाके देख सकते हो। हर साल सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ रजिस्टर आपको कैसे करना है स्कॉलरशिप में। स्टार्टिंग में आपको फाइंड आउट कैसे करनी है आपकी कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप, और अगर आपको उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, ये जानना है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, तो उस चीज के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो अब चलते हैं सीधा अपने प्रोसेस की ओर। आप देख सकते हो edistrict.delhigovernment.nic.in ये वाली आपको वेबसाइट ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है अपना। तो यहाँ मैं लॉग इन कर रहा हूँ रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट नहीं करी है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नई आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, बाकी बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। अब यहाँ फटाफट से मुझे कैप्चा डालना है ZATA। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग लॉग इन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी, जो भी आपकी प्रोफाइल है आप एक बार डिटेल्स को चेक कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, अप्लाई ऑनलाइन, सर्विस स्पेसिफिक, पेमेंट, प्रिंट, कस्टम रिपोर्ट्स। आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पे जस्ट यहाँ पे होवर करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना, इसके ऊपर जस्ट आप माउस अपना लेके जाओगे तो यहाँ पे आप अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है और पेंडिंग फॉर सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले पे क्लिक करके आप सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्कॉलरशिप या कोई भी और गवर्नमेंट की सर्विस आप लेना चाहते हो। पेंडिंग फॉर सबमिशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म खोला था बट किसी रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो आप उसको वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करने वाले हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि कौन से स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ नीचे से मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है आपका, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर भी नहीं है आपका, वुमेन एंड चाइल्ड भी नहीं है, फूड एंड सप्लाई भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। अब यहाँ आप जितने भी SC ST OBC या माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हो उसकी उन सबकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे जो ये डेट लिखी हुई है ये डेट जबकि है जब ये स्कॉलरशिप्स लॉन्च हुई थी, यानी जब गवर्नमेंट ने पहली बार इन स्कॉलरशिप्स को निकाला था हम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 70 नंबर में जो स्कॉलरशिप है वो क्लास 1 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो भी इस सेशन में पढ़ रहे थे या वहाँ पढ़ रहे हैं तो ये आप देख के ध्यान से पढ़ सकते हो चीजों को। सिमिलरली आप देख सकते हो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली आप देख सकते हो ये ट्यूशन फीस वाली स्टोर स्कॉलरशिप है SC ST OBC वालों के लिए, ऐसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। और ये सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में जो PDF आपको मैंने टेलीग्राम पे भी भेजी थी उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आपको जिसमें भी अप्लाई करना है पहले उनके डिटेल्स पढ़ो, उनके लास्ट डेट कब तक है वो देखो, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब वो आपको PDF कैसे मिलेगी, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको ऊपर PDF मिल जाएगी जो मैंने भेजी हुई है इन सब चीजों की, स्कॉलरशिप्स की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लो किसी चीज के लिए भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखते हो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो लेट्स से हम यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं रीएम्बर्समेंट वाला। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपका जो डिटेल्स यहाँ पे सेव हुई हुई है ऑलरेडी वो लिखी हुई आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इनको हाइड कर रहा हूँ बिकॉज पर्सनल डिटेल्स हैं,
अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है या एडिट करना है। अगर आपको लगता है कि डिटेल्स में कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेट ऑफ बर्थ ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया टू अप्लाई दिस सर्विस। तो अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगा या आप एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो पीडीएफ भी पढ़ लेना सो डेट आप गलत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करो। तो यहाँ पे तो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे और भी स्कॉलरशिप है तो मैं और भी ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं करने दे रहा मुझे क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एज वेट सब चेक कर लेता है अपने एंड से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और दोबारा से यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे और किसी स्कॉलरशिप के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे ओबीसी वाले के लिए करता हूँ एंड यहाँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फॉर्म आ चुका है, यानी इस चीज के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई आ गई है, यहाँ पे भी आप गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप देखो फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है मेरे सामने, बट मैं ये फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा बिकॉज स्कॉलरशिप के लिए कोई अप्लाई मुझे नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, तो आप जिस भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हो यहाँ से भर सकते हो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, जैसे मैंने दो पार्ट में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मोस्टली जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती है सबका सिमिलर प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर। आई कार्ड में आप डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को ढूंढ सकते हो यार, 15,000 16,000 बच्चों ने उस वीडियो को देख के फायदा उठाया है, तो आप भी जरूर उठा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप कैसे मिलती है आपको और वो कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो जो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप निकलती है जो कि हर कोई भर सकता है, वो आती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ दी हायर एजुकेशन में। अब यहाँ पे आपको दो स्कॉलरशिप मिलती है, एक तो होती है मॉडिफाइड हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और एक होती है मेरिट कम मीन्स। देखो आपको मेरिट कम मीन्स वाले पे देखना है। अब जब भी यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे, फ्रेश फॉर्म निकलेंगे, तो जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे एस सी एस टी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, 6 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी आप देखो मैं कंटिन्यू पे करूंगा तो कुछ ना कुछ दिखाएगा यहाँ पे। ये देखो द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन स्टॉप्ड बाय द कॉन्कॉन डिपार्टमेंट फॉर सेलेक्टेड सर्विसेज, काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर कॉन्कॉन डिपार्टमेंट फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप आ गई होती, फॉर्म निकल गए होते, तो ये फॉर्म खुल जाएगा, जैसे कि अभी लास्ट वाली स्कॉलरशिप का खुला था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि स्कॉलरशिप आई है नहीं आई है, आपको कोई नोटिस नहीं है, तो सिंपली आप ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर जाके लॉग इन करके चेक कर सकते हो कि अगर खुल गई होगी तो ये वाला फॉर्म भी खुल जाएगा। तो मोस्टली ये फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में खुल सकता है, फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं खुलेगा। जस्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि कैसे आप कोई भी स्कॉलरशिप को सर्च कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्कॉलरशिप में। होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो, उस चैनल पे आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं उस चैनल के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग काफी सारी डिटेल्स मिलती है जो कि आपकी हेल्प करेगी, आपकी कॉलेज लाइफ में आपकी हेल्प करेंगी। ऐसी वीडियोज होती है करियर रिलेटेड, इसी के साथ में मैं मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड भी जानकारी शेयर करता हूँ बिकॉज मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ऑनलाइन करियर में, तो उसमें भी आपकी मैं हेल्प करता हूँ। इसी के साथ में आपको काफी सारी हेल्पफुल चीजें जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, सो दैट आप एक बेहतरीन लाइफ अपने क्रिएट कर पाओ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इसी के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल पाए कि आप वीडियो को कितनी अटेंटिवली सुनते हो, कितनी चीजों को समझते हो। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।